मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह की बज रहे हैं 11 और हमारा ब्लॉग शुरू हो चुका है और इस समय हम आ चुके हैं किचन में अपने और बना रहे हैं पूरी और खीर बना रहे हैं क्योंकि मम्मी को पूजा करना है और क्योंकि आज नवमी है, पितृपक्ष का नवमी है, तो इसलिए पूरी और खीर बना रहे हैं। और खीर क्या कहते हैं, फिर यहाँ पे जब पूजा हो जाएगा फिर हम लोग को निकलना है कहीं बाहर घूमने के लिए और चाय वगैरह सब लोग पी चुके हैं, सब लोग छत पे हैं, ऊपर रूम में, हम नीचे खाना बना रहे हैं और मम्मी को पूजा करना है। लीजिए आज मात नवमी है, हम जाने अपने पुरुषों को पानी देंगे, सुंदर देंगे। आज हमारे ये पितृ विदा होते हैं ना, आज भैया की विदा करेंगे अपने। तो चलिए अभी जा रहे हैं, मम्मी घी निकाल रही थी तो देसी घी की पूड़ी बनाना है और खीर इतना हम चढ़ा चुके हैं पहले से और पूड़ी बनाने के बाद पूजा होनी है, फिर हम लोग को निकलना है कहीं से जल्दी, थोड़ा जल्दी में हम लोग। और चलिए फिर अभी आप लोग से मिलते हैं, फिर तो निकल रहे हैं स्वामी नारायण छुटिया के लिए अभी जल्दी तुरंत। और ये हम हिना के गोदी में बैठे और पापा पीछे है, हस्बैंड बैठे हैं और मेरे जीजा जी सब उधर किनारे बैठे हैं। निकला कहाँ गए जीजा, जीजू कहाँ नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए? नहीं नहीं इधर निकलो, ये है इनके पीछे। पक्कू देखो कहाँ बैठे हैं, केशव देखिए कहाँ है, मम्मी के पास। पांच लोगों के जाने का प्लान था, अभी फिलहाल 10 लोग जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, पीछे टिक्की में बैठे हैं कृष्णा आरू सब लोग साथ में बैठे हुए हैं, भैया गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। चलिए हम लोग रास्ते में बात करते रहेंगे, ब्लॉगिंग करेंगे तो मर ही जाएंगे रास्ते पर। ये नहीं करवा रही हम, कर ले रहे हैं हम क्योंकि इसी गोदी में बैठे हुए हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं हीना की गोदी में, हम बैठे थे तो हीना को निकाल दिए बाहर, था पैर सही है। क्या हुआ, हीना की गोदी में बैठे थे, क्या हो गया? बहुत भारी हो यार तू, मेरा पैर टूट गया। यहाँ भंडारा भी चलता है क्या? हैं? चल 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 रहे हैं, वो देखिए नई मंदिर है बेटा, खुलियो बेटा, तू कहाँ तू को दीजिए
ये नई मंदिर है सामने। जा रहे हैं यहाँ पे कुछ ठंडा पियेंगे। केशव क्या लाया तुम्हारे लिए ना? कुछ क्या खा रहे इधर लो? कुछ सुनो, कुछ खा रहा है? खा रहा नहीं खा रहा है? अरे कुछ को देखो, कुछ को देखो, मेरे कपड़े पे मत लगाना तुम। मछली अंदर इसके